गाइज व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। देखिए डेट है 7 मई, डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आज पीआईबी की बात करें तो न्यूज में एक थोड़ा सा डाटा है, याद रखना बिल्कुल, कि जो हमारा पल्सेज का जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है 65% 2020-21 में अगर हम कंपेयर करें इसको 2007-08 से, ठीक है। और हमारा देखिए सरकार का टारगेट भी है कि हम अचीव कर लें सेल्फ सफिशियंसी पल्सेज में, इसीलिए सरकार ने 20 लाख से ज्यादा जो मिनी किट्स हैं सीड्स के वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और बताया जाता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 10 टाइम्स ज्यादा है लास्ट ईयर के, थोड़ा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें द हिंदू की तो पुलायार कम्युनिटी है, ये न्यूज में है, ये इसी वजह से न्यूज में है क्योंकि बताया गया है कि जब इनसे पूछा गया कोविड के बारे में तो इन्होंने बताया कि कोरोना नाम की चीज हमने सुना जरूर है कि कोरोना कोई बीमारी है लेकिन इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। तो याद रखना ट्राइबल कम्युनिटी है, तमिलनाडु में है। और देखिए एक कातुपत्ती और कुझीपत्ती ये सेटलमेंट्स है इनके, तो याद रखना थोड़ा। और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए देहला डैम न्यूज में है, ये सेकंड बिगेस्ट डैम है अफगानिस्तान में। और देखिए ये न्यूज में इसी वजह से है क्योंकि तालिबान ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया है। और देखिए ये जो डैम है इसके थ्रू इरिगेशन किया जाता था अफगानिस्तान में और ड्रिंकिंग जो वाटर सप्लाई है उसको भी भरपाई की जाती थी इससे। दूसरा अगर उसके बाद बात करें गाइस तो देखिए ट्रिप्स काफी चर्चा में है। ट्रिप्स जो है ये ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और ये इफेक्ट में आया था 1 जनवरी 1995 को और बाइंडिंग है ऑल WTO मेंबर्स। अब देखिए ये जो ट्रिप्स इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट है ट्रिप्स का, ये देखिए जो मेंबर नेशंस हैं जो WTO के मेंबर्स हैं उन सबके बीच में एक एग्रीमेंट है और ये कवर करता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन को ये कवर करता है। अब देखिए इसके थ्रू हम बात करते हैं एक विपो भी है, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेल्फ फंडेड एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था विपो को 1975 में, ठीक है। तो कभी आपसे कोई पूछे कि क्या इंडिया मेंबर है विपो का, बिल्कुल जी हाँ मेंबर है इंडिया, ट्रिप्स का भी है, ठीक है, WTO का भी है। और देखिए इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने रेटिफाई किया माराकेश ट्रीटी को। अब देखिए माराकेश ट्रीटी की अगर बात करें तो ये ट्रीटी के थ्रू एक्सेस मिलता है पब्लिश जो वर्क है बाई विजुअली इंपायर्ड जो पर्सन है उनका और पर्सन विद प्रिंट डिसेबिलिटी, बस थोड़ा याद रखना ऐसे। एक देखिए बुडापेस्ट ट्रीटी भी है, विपो की ट्रीटी है ये भी। तो बुडापेस्ट ट्रीटी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में बात करती है, ठीक है। और देखिए कुछ और कन्वेंशन और ट्रीटी है जैसे IPO कन्वेंशन है, पेरिस कन्वेंशन, बर्न कन्वेंशन, फोनोग्राम कन्वेंशन, ठीक है, और एक नाइस एग्रीमेंट है, लोकार्नो एग्रीमेंट और वियना। अब देखिए ये जो तीनों एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट 2019 में ही आए हैं और देखिए ये सारे विपो से रिलेटेड हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और भारत ने सारे जो ये एग्रीमेंट और कन्वेंशन है इनको साइन कर रखा है। दूसरा इसके बाद अगर बात करें भारत में, देखिए विपो से रिलेटेड जो भी इशू होते हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हमारा जो है वो डील करता है। और विपो की अगर ओरिजिन की बात करें तो ये निकल के आता है यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 1893 से, ठीक है। तो ये थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन था। उसके बाद में देखिए एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी पब्लिश किया जाता है विपो के द्वारा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेड के साथ मिलके, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था गाइज। इसी के साथ देखिए अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव है बिना किसी डाउट के आप मुझे मेल या कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम।